मेडिकल साइंस के अनुसार लड़का या लड़की किसी के लिंग की बात करें तो ये सारा का सारा जिम्मेदार जो होते हैं ये पुरुष ही होते हैं, ठीक है। और हम भी आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी भी में, दोनों में से किसी की बात करें, क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम की बात करें, उनमें दो होते हैं। सबसे पहले मानव में गुण सूत्रों की संख्या, यानी हम एक प्रकार से बात करें यहां पे, क्रोमोजोम होता है गुण सूत्र, ठीक है। गुण सूत्रों की संख्या होता है 23 × 2 = 46, यानी 46 होता है, यानी मेल में 23 और फीमेल में 23, ये दोनों मिलने के बाद 46 होता है। और 46 जब कंप्लीट हो जाता है तो एक बेबी के स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है। यहां पे बात करें तो चाहे महिला की बात करें और या पुरुष की बात करें, दोनों में देखेंगे कि सेक्स क्रोमोजोम की XX है और XY है, यानी यहां पे तो सेम है और यहां पे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब किस प्रकार इनका मिलन होता है ये कोई नहीं जानता। अगर ये कोई जानता तो कोई अपना एक्स, महिला तो मान लीजिए छोड़ देती क्योंकि दोनों सेम है, एक्स भी ये वाला आएगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये वाला आएगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे पुरुष के अंदर अगर इतनी शक्ति है तो इसे रोक कर दिखाएं, नहीं रोक सकते, ठीक है। इसको रोकना ये ऊपर वाले की बात है। अगर मान लीजिए कि महिला का एक्स क्रोमोजोम और पुरुष का एक्स क्रोमोजोम यहां पर दोनों मिलते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स, यानी यह बन जाएगा आपका बेटी, ठीक है। और महिला का अगर ये एक्स क्रोमोजोम और इधर से ये आ गया आपका वाई क्रोमोजोम, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्स और वाई, तो ये बन गया आपका बेटा यानी सन, ठीक है। अब ये चीज बताइए कि इसमें है कौन जिम्मेदार, इसमें है कौन जिम्मेदार, क्योंकि पुरुष के पास तो एक्स भी है और वाई भी है। अगर पुरुष जिम्मेदार अगर नहीं है, अगर हम नहीं कहते हैं तो कैसे नहीं कहें, सबसे पहले समझिए। अगर पुरुष चाहते, अगर पुरुष चाहते तो इस एक्स को रोक लेते, इस एक्स को आने ही नहीं देते, क्योंकि एक टाइम में कोई एक ही आएगा, ठीक है। जब दोनों को मिलना होगा तो इसमें से तो कोई भी आ सकता है क्योंकि इनके पास सेम सेम है, लेकिन यहां पे पुरुष की बात करें तो कोई एक टाइम में एक ही आएगा, चाहे एक्स आए चाहे वाई आए। तो यहां पे पुरुष के पास अगर इतने दानवीर हैं, बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, तो इनको रोक लें, ठीक है, इनको रोक लें और केवल वाई को भेजे, ताकि इधर से एक्स आएगा तो आपके मन चाहे हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, नहीं। इसलिए आप कभी भी किसी महिला को नहीं कोच सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं ऐसे एक प्रकार से आप गलत लगा सकते हैं कि नहीं, जो बेटी की जन्म हुई है उसमें महिला के जिम्मेदार है, नहीं, उसमें 100% जो है वो कौन जिम्मेदार है जी, पुरुष जिम्मेदार है, ठीक है दोस्तों। तो आज आप समझ गए कि बेटा और बेटी में जो है आपका क्या अधिकार है और कैसे जन्म होता है, किस प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, बस एक लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।